उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खुले लुलू मॉल में नमाज पढ़ने का मामला गहराता ही जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मॉल का उद्घाटन 10 जुलाई को किया था। इसके 3 दिन बाद ही 13 जुलाई से ये विवाद शुरू हो गया है। मॉल के अंदर नमाज पढ़ते हुए कुछ लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा समेत अन्य हिंदू संगठनों ने नाराजगी जाहिर की है। इसके बाद मॉल के मैनेजर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई भी दी है। अब हिंदू समाज पार्टी के योगी सरोज नाथ ने कहा है कि अगर परिसर में नमाज पढ़ा जा सकता है तो सुंदरकांड भी पढ़ा जा सकता है, जिसके चलते तीनों लोगों को एंट्री गेट पर हिरासत में ले लिया गया है। शुक्रवार को मॉल परिसर के अंदर सुंदरकांड का पाठ करने का प्रयास करने वाले हिंदू समाज पार्टी के तीनों लोगों को एंट्री गेट से हिरासत में ले लिया गया है। यह जानकारी DGP साउथ राकेश श्रीवास्तव ने दी है। इसमें भदोही से योगी सरोज नाथ भी शामिल रहे। इस दौरान योगी सरोज नाथ ने कहा है कि अगर नमाज होगी तो सुंदरकांड भी होगा। पुलिस प्रशासन के बावजूद ये सब हो रहा है। अगर नमाज पढ़ी गई तो हम हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पढ़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।